सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर एनसीबी के समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल उठा दिए। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुस्लिम? आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच के दौरान एनसीबी के समीर वानखेड़े पर उठे इस सवाल का जवाब अब भी दस्तावेजों की लड़ाई में जारी है। इस लड़ाई को समझने के लिए आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जन्म प्रमाण पत्र की है जिसे वानखेड़े के परिवार ने जारी किया। कहा इसमें साफ साफ लिखा है कि वानखेड़े हिंदू हैं मुस्लिम नहीं। दूसरी तस्वीर वानखेड़े के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की है जो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जारी की। इसमें लिखा पूरा नाम है वानखेड़े समीर दाऊद, यानी वानखेड़े मुस्लिम है। इसके बाद वानखेड़े के परिवार ने आज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया। इसमें वानखेड़े की जाति हिंदू ही लिखी है। फर्जीवाड़ा है, छुपाने की कोशिश की जा रही। हमने सारी चीजें न्यायालय में रखी है। ये जाली करारा सर्टिफिकेट नहीं, जब पैदा हुए थे जो सर्टिफिकेट मिला था वो दिखाएं, ये हम मांग करते हैं। वानखेड़े के धर्म को लेकर पुणे में भी एक अलग जांच चल रही है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सामने एक शिकायत दर्ज की गई कि वानखेड़े ने धर्म की सही जानकारी न देकर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, जिसकी जाँच हो रही है। काफी हद तक तथ्य होने के वजह से वाशिम डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां से उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट हासिल किया था समीर वानखेड़े ने, उधर की कमेटी को उन्होंने ऑर्डर किया है कि इसकी सिरे से जांच हो, इसकी कानूनन जांच हो और उसका अहवाल जो है वो जल्द से जल्द हमें सादर किए जाए। समीर वानखेड़े मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के एक बड़े चेहरे रहे, लेकिन आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ते ही उन पर धर्म, जाति और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। अब उनके हाथ से जांच भी छिन चुकी है और वो और उनका परिवार अपने धर्म और जाति को साबित करने में लगा है। ABP News आपको रखे आगे।